हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ठंडी ठंडी टेस्टी डिलीशियस वाटरमेलन स्मूदी। इस मज़ेदार वाटरमेलन स्मूदी को बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट से बनकर रेडी भी हो जाता है और ये पीने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए इस ठंडी ठंडी वाटरमेलन स्मूदी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बाउल तरबूज। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसके बीज अलग कर लिए हैं और इसे मैंने एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था, जिससे कि ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें हम तरबूज के टुकड़े डाल देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। तरबूज को मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, और अगर इन दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ तरबूज से भी स्मूदी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तरबूज को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसमें हमें अब कुछ और ऐड नहीं करना है। तो देखिए, हमारा वाटरमेलन स्मूदी तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान है। ये झटपट बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस झटपट बनने वाली मज़ेदार वाटरमेलन स्मूदी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और हमेशा की तरह, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू।